साथ गठबंधन उनका टूटे। तीन तस्वीरें आपके सामने, मंत्री का इस्तीफा, एनसीपी के साथ शिवसेना, और तीसरी तस्वीर बीजेपी से गठबंधन टूटने की कगार पर है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है आज राज्यपाल के साथ तो होने ही जा रही है, साथ ही साथ शरद पवार के साथ कल सोनिया गांधी की भी बैठक है। जयपुर में एक अलग ही रिजॉर्ट में रोका गया है तमाम विधायकों को, वहां लगातार बातचीत चलती रही है, रात भर वहां गहमा गहमी रही है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की मुलाकात वहां रही है। तो कुल मिलाकर न्योते के बाद आज राज्यपाल से मुलाकात शिवसेना के नेताओं को करनी है। अरविंद सावंत ने साफ कर दिया है कि झूठ के साथ रहना दिल्ली में बहुत मुश्किल है, और इसीलिए उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी लगातार बने हुए हैं। साहिल, वहां आज किस किस तरीके की का कार्यक्रम रहेगा, शिवसेना की मुलाकात कितने बजे है राज्यपाल के साथ? देखिए, शिवसेना को 7:30 बजे तक का समय दिया था, और जहां तक मेरी जानकारी है शिवसेना ने अभी तक स्पेसिफिक समय तो नहीं बताया, लेकिन आज दोपहर तक शिवसेना का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलेगा। माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि शिवसेना थोड़ा समय मांगे, उस बीच शिवसेना नेता शरद पवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। कल एनसीपी के विधायक दल की बैठक है, विधायकों की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में आगे की रणनीति भी तय हो जाएगी। और वहीं जयपुर में कांग्रेस के जो विधायक और नेता है उनका डेलिब्रेशन अभी भी चल ही रहा है, हालांकि उनकी जो प्री कंडीशन एक तरीके से मांग की वह पूरी हो गई है, तो बातचीत का रास्ता तो खुल गया है। लेकिन हो सकता है कि जयपुर से कांग्रेस के विधायक आज मुंबई लौट आए और आगे की बातचीत भी उस तरीके से जारी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से साफ किया गया, आधिकारिक बयान दे दिया गया कि वो सरकार नहीं बनाने जा रही, इसी तरीके से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की तरफ से क्या बहुत ही जल्द आधिकारिक बयान देखने को मिल सकता है? देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि जो अभी गवर्नर ने कल शिवसेना को जो खत लिखा था उसमें उन्हें पूछा था कि क्या उन्हें सरकार बनाने की इच्छा है, और अगर इच्छा है तो क्या उनके पास जो नंबर चाहिए, जो आंकड़ा चाहिए, क्या वो आंकड़ा उनके पास है। तो ऐसे में पहले तो शिवसेना को राज्यपाल को ये बताना है कि क्या वो सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं एज ए सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, और उसके बाद उन्हें बाकायदा सारे नंबर्स लेकर जाने होंगे। तो अगर नंबर लेकर जाने हैं तो उनके पास वो सूची हस्ताक्षर के साथ, पार्टी के नेता के हस्ताक्षर के साथ होनी चाहिए। वो सूची कांग्रेस से सोनिया गांधी के हस्ताक्षर से मिलेगी, और एनसीपी से उनके विधायक दल के नेता है अजीत पवार, उनके हस्ताक्षर से मिल सकती है। जिस वक्त वो उनके पास होगी वो अपना सत्ता बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि पहले वो जाके कुछ समय गवर्नर से मांग सकते हैं, और उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, बने रहें साहिल हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि अरविंद सावंत आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस्तीफे की पेशकश वो कर चुके हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि झूठ के साथ रहना सरकार में बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो गहमा गहमी बनी हुई थी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर, अब वो स्थितियां छटती हुई नजर आ रही हैं, बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। उधर जयपुर में रात भर गहमा गहमी रही है, तमाम विधायकों के साथ कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी मुलाकात होती रही है, उनकी तरफ से साफ किया गया है। साथ ही साथ जो शर्त लगाई गई थी शरद पवार की तरफ से कि सबसे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म किया जाए, केंद्र में जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं अरविंद वो पहले वापस लौटे, तो आपको बता दें कि वो भी संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है अरविंद सावंत की तरफ से। तो महाराष्ट्र में आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर जब बीजेपी ने कहा कि वो सरकार बनाने नहीं जा रही है, तो दूसरी तरफ अब स्थितियां कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार बनाने की नजर आ रही हैं। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तमाम अपडेट्स इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर।